चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं अयोध्या में होने जा रहे भव्य राम उत्सव की खबरों के साथ, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। श्रद्धालु यहां आना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको अपने आराध्य के दर्शन जो करने हैं। बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर के आचार्य सतीन दास ने दावा यह किया है कि इस बार राम उत्सव में श्री राम के ललाट पर भगवान सूर्य तिलक करेंगे, मगर ये सब कैसे मुमकिन होगा, आचार्य सतीन दास की जुबानी सुनिए। सबसे बड़े पर्व के लिए सज रही है, संवर रही है अयोध्या नगरी। राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियों में जुटी है रामनगरी। मंदिर प्रशासन की माने तो इस बार अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भव्य होगा, दिव्य होगा। इस वर्ष की रामनवमी ऐसे ही लगेगा कि जैसे स्वयं भगवान सूर्य यहाँ उदय हो रहे हैं, और क्योंकि उस समय का दृश्य है कि मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई, उस समय एक महीने तक सूर्य स्थापित हो गए थे, खड़े हो गए थे इसी अयोध्या नगरी में जिस दिन रामलला का जन्म उत्सव हुआ था त्रेता युग में, वही दृश्य दिखाने का प्रयास हो रहा है जो अपने आप में अद्भुत और विलक्षण है। जब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से इस बात की चर्चा थी कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे सूर्य की किरणें राम लला के मस्तक को नमन करें और भक्तों को अपने आराध्य के अद्भुत दर्शन हो। गुड न्यूज ये है कि इस रामनवमी इस कल्पना को साकार किया जा सकता है। रामनवमी का ऐसे रूप में दिखाई दे जिससे जाने के नया रूप ले लिए है भगवान राम और नए रूप में दिखाई दे। वैज्ञानिकों का ये है कि जिस दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस दिन भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे रामलला के लीलार से प्रकाशित हो, ऐसा वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की माने तो वैज्ञानिकों की टीम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अगर विशेषज्ञों की ये टीम अपने उद्देश्य में सफल रही तो इस बार राम जन्मोत्सव पर अयोध्या में श्रद्धालु राम लला के अद्भुत रूप के दर्शन कर पाएंगे। सूर्य का जो प्रकाश है भगवान श्री राम की लीलार से जैसे सूर्य का उदय हो रहा हो ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो अपने आप में अद्भुत होगा और ये नया होगा, और ऐसा कभी या किसी भी मंदिर में ऐसा होता नहीं। यदि इसमें सफलता मिलती है तो यह अब की रामनवमी एक प्रकार से अद्भुत विलक्षण होगी जो बहुत ही आकर्षक होगा, और राम भक्तों को लिए यह एक चमत्कार होगा। अयोध्या धाम में राम जन्मोत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं, भक्तों को भी इस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। जब उन्हें राम जन्मोत्सव पर अयोध्या में त्रेता युग का आभास होगा, उम्मीद यही कि इस बार अयोध्या में राम नवमी अद्भुत होगी, उत्सव के महाउल्लास के साथ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में महाउत्सव मनाने की अभूतपूर्व तैयारी हो रही है। नए राम मंदिर में अवधपुरी पहली बार बालक राम का जन्मोत्सव मनाएगी। इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसीलिए शासन प्रशासन श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। जी हां, नवरात्रि के साथ ही रामनवमी के शुभ दिन आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन के सामने क्राउड मैनेज करना यकीनन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसीलिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए कुछ योजनाओं पर काम हो रहा है ताकि श्रद्धालु न केवल रामनवमी के त्यौहार को आस्था के साथ मना पाएं बल्कि उनको रामलला के दर्शन भी बेहद सुलभता के साथ हो सके। भगवान राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए खासकर रामनगरी की बेताबी इन दिनों देखने लायक है।
इससे पहले जहां नवरात्रि में मां के दरबार सजेंगे, वहीं रामनवमी भी पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाएगी। खासतौर से अयोध्या तो इस बार रामनवमी के लिए पूरी भव्यता के साथ सज संवर रही है। बेशक ये अप्रैल महीने के सबसे शुभ दिन हैं, जिसको मनाने के लिए केवल अयोध्यावासी ही नहीं बल्कि दूर दराज से श्रद्धालु रामनगरी का रुख कर रहे हैं, जिनके रहने खाने पीने के लिए प्रशासनिक मशीनरी तैयारियों को अमली जामा पहना रही है। वहीं स्वच्छता के लिए और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था माकूल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस साल 22 जनवरी से रामलला के नए मंदिर में विराजने के बाद से प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसमें करीब 1 लाख विदेशी श्रद्धालु शामिल हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की ऐसी अभूतपूर्व आमद इससे पहले शायद ही देखी गई हो, मगर अब रामनवमी से पहले श्रद्धालुओं की इस आवाजाही को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। हमारी तैयारी पूरी है, विशेष हम अपनी जो है अतिरिक्त फोर्स हमारे पास हम मांग कर लिए हैं और ड्यूटी पॉइंट हमारे निश्चित है, और लाखों की भीड़ हम लोगों ने इसके पहले जो है अभी जब मंदिर का जो है नवीन उद्घाटन हुआ उसमें कर चुके हैं, और रामनवमी पे भी के लिए भी हम लोग तैयार हैं पूरी तरह। प्रशासन इस बार रामनवमी के मौके पर 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगा रहा है, जिसके लिए क्राउड मैनेजमेंट प्लान पर काम हो रहा है। इस योजना के तहत राम मंदिर के अंदर श्री राम ट्रस्ट श्रद्धालुओं की सहूलियत से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अयोध्या और फिर राम मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में मिल रही तमाम सुविधाओं को अयोध्या प्रशासन और यूपी सरकार के अलग अलग विभाग देख रहे हैं। वहीं रामनगरी और राम मंदिर तक पहुंचने के रास्तों में प्रशासन ने होल्डिंग एरिया तय किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर जगह जगह भीड़ को रोका जा सके। वहीं अयोध्या प्रशासन आसपास के जिलों से भी संपर्क में है, जिनके माध्यम से दर्शन के लिए आने वाले लोगों को अलग अलग दिन रामलला के दर्शन के लिए प्रेरित किया जा सके। हालांकि इससे पहले रामनवमी पर 16, 17, 18 यानी 3 दिन तक राम मंदिर को 24 घंटे खोलने का फैसला लिया जा चुका है। इस प्रशासनिक कवायद से अयोध्या की सीमा पर सीमित संख्या में ही लोगों की आवाजाही संभव हो सकेगी। इसके अलावा जन्मभूमि पथ पर लाइंस की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसमें रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अयोध्या से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरे दार्शनिक स्थलों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था कारगर साबित हुई है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला के प्रति भक्तों का समर्पण और स्नेह कितना है, ये हर कोई जानता है। अब सोने से बने गहनों पर भी रामलला की आकृति उकेरी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लॉकेट और हार पर राम दरबार की छाप भी नजर आ रही है। लखनऊ में इस खास डिजाइन के टेंपल ज्वेलरी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। पुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हो रही रोजाना लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के तन मन में सदियों से प्रभु श्री राम का वास है, लेकिन अब सोने के आभूषणों पर भी रामलला की छवि नजर आ रही है। शादी ब्याह का मौसम हो और गहनों की बात न हो, ये कैसे हो सकता है? तो शादी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो बदलाव एक ज्वेलरी स्टोर्स में देखा जा रहा है वो ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है उसकी छाप यहां भी दिख रही है। और ये जो सब गहने यहां पर लगे हुए हैं, ये है तो सोने के गहने, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो डिजाइंस हैं वो टेंपल डिजाइंस हैं, यानी कि मंदिर या ईश्वर की छवि उसमें दिख रही है। दरअसल लखनऊ में शादियों के सीजन के लिए खास डिजाइन वाले गहने तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सोने से बने आभूषण पर प्रभु श्री राम और माता सीता की दिव्य आकृति उकेरी जा रही है। यही नहीं, इन गहनों पर राम दरबार की भी तस्वीर बनाई गई है। ये पूरा राम दरबार बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, सीता जी सब पूरे उनके दरबार में, जैसा कि एक आती है वो पूरा किया गया है। और वही लॉकेट के साथ साथ पहली बार हम लोगों ने कान में भी ये चीजें बनाई है। टेम्पल ज्वेलरी पहले भी डिमांड में रही है, लेकिन रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रभु श्री राम की आकृति वाले आभूषणों की मांग बढ़ गई है। अभी
बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई है, और खास तौर से राम मंदिर की, रामलला की, भगवान की जो लॉकेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, बैंगल्स हैं, ये सब बहुत ट्रेंड में है। और उसी के साथ जैसा डिमांड है और सोना थोड़ा महंगा है, तो हम लोगों ने वेट भी काफी रिड्यूस किया है, काफी लाइट वेट में टेम्पल ज्वेलरी पहली बार आई है। ज्वेलरी के इन खास डिजाइन को लाइट वेट में भी तैयार किया गया है, जिससे वजन के साथ ग्राहकों के बजट में भी फिट रहे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माता रानी के दरबार में रौनक नजर आने लगी है। चैत्र नवरात्रि को लेकर देश भर के शक्तिपीठों में तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में नवरात्र से पहले ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार यहां नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से खास प्रकार के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सजने लगा माता रानी का दरबार। भक्तों को पावन चैत्र नवरात्र का इंतजार। नौ अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देश भर के शक्तिपीठों में खास तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के विश्वविख्यात माता मनसा देवी के दरबार में भी नवरात्रि की रौनक अभी से नजर आने लगी है। प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माता मनसा देवी है, और मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस बार श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, उसको लेकर खासे प्रबंध है। हालांकि नवरात्रि से पहले ही मनसा देवी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सच्चे मन से माता रानी के दर पर अपनी अर्जी लगा रहे हैं। माता के भक्तों की सुविधाओं के लिए मनसा देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर में माता रानी के भक्तों का सैलाब नजर आता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की कोशिश है कि माता रानी के दर्शन के लिए आए भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। सुरक्षा की और पानी की सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया है, और यहाँ पे हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो एम्बुलेंस 24 आवर्स हमारी यहाँ दो डिस्पेंसरी रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर की टीम रहेगी। जहाँ से लोगों की गाड़ियाँ रुकती है वहाँ से हमने निशुल्क ऑटो सेवा लगाई है, ताकि किसी श्रद्धालु है, वृद्ध है, कोई चलने में असमर्थ है, उनके लिए निशुल्क ऑटो सेवा दी है, ताकि वो मंदिर तक आए, उन्हें कोई असुविधा ना हो। आदिशक्ति जगत जननी माता रानी के नौ स्वरूपों के दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मनसा देवी मंदिर के कपाट भी प्रातः 4 बजे खोल दिए जाएंगे। समय के अनुसार 4 बजे मंदिर खुलेगा और रात 11 बजे बंद होगा। पहले 4-5 नवरात्र को, फिर जैसे रस बढ़ेगा उस पब्लिक की सुविधा अनुसार मंदिर को खोला जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर को कोलकाता के खास फूलों से सजाया सवारा जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे माता रानी के दरबार की भव्यता और सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। पंचकुला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भक्ति, जो की काशी में दिखी। सीएम योगी यहां बाबा विश्वनाथ के दरअसल दर पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। यही नहीं, बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद उन्होंने काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। बाबा विश्वनाथ के दरबार में नतमस्तक योगी। भक्ति भाव से भोले बाबा की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भक्ति किसी से छिपी नहीं है। मौका कोई भी हो, वक्त निकालकर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच ही जाते हैं। कल सीएम योगी
चुनावी बैठक में हिस्सा लेने दो दिन के काशी दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में षोडशोपचार पूजन किया, महादेव का दूध से अभिषेक किया, महादेव को फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार किया और फिर आरती की। काशी विश्वनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रोजाना वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सीएम योगी बाबा के दरबार में करीब 20 मिनट तक रहे। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद योगी काल भैरव मंदिर रवाना हुए। काशी के क्षेत्रपाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन के लिए उनके धाम पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में काल भैरव की विधि विधान से पूजा की और फिर उनकी आरती उतारी। बाबा काल भैरव की बड़ी मान्यता है। काल भैरव को उज्जैन नगरी का सेनापति कहा जाता है। बाबा काल भैरव महाकाल नगरी की देखरेख करते हैं। कहते हैं जो भक्त काल भैरव के दर्शन किए बिना महाकाल के दर्शन करते हैं उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा महाकाल के दर्शन करने मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। आशुतोष राणा भस्म आरती में भी शामिल हुए। भस्म आरती के बाद आशुतोष राणा मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पूरे भक्ति भाव से बाबा महाकाल की पूजा की और उनका आशीर्वाद भी लिया। जी हां, मंदिर के पुजारियों के मुताबिक परंपरा का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल के पट खोले जाते हैं। उसके बाद दूध, दही, घी, चीनी, शहद और पंचामृत से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। अंत में ढोल, नगाड़ों और शंख बजाने के साथ महादेव की भस्म आरती की जाती है। आशुतोष राणा ने महाकाल दर्शन के अपने अनुभवों को भी शेयर किया है। आपके लिए चलते दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक उत्सव की तस्वीरें सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि खबर है कि तमिलनाडु के ईरोड में, यहां से ये खबर आ रही है, जहां एक मंदिर में हुए उत्सव में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान अद्भुत शोभा यात्रा भी निकाली गई। देखिए उसकी तस्वीरें। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, आस्था और भक्ति का अद्भुत मेला लगा है। ये तस्वीरें तमिलनाडु में इरोड के श्री पोन्न काली अम्मन मंदिर की हैं। हजारों हजार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पारंपरिक बंधम उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंची है। हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। वैदिक मंत्रों के पाठ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच पूजा अर्चना और अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। ये मंदिर इरोड जिले में शिवगरी के नजदीक थलनायूर इलाके में स्थित है। देवी पोन्न काली अम्मन की पूजा यहाँ सैकड़ों सालों से हो रही है और सबसे खास है यहाँ हर साल होने वाला बंधम उत्सव, जिसमें न केवल इरोड बल्कि नमक्कल, करूल, तिरुपुल, कोयम्बटूर और सलेम से भी श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। इस दौरान देवी की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और दूध, नारियल पानी, चंदन, हल्दी और शहद से देवी का अभिषेक किया जाता है। सजे धजे घोड़ों वाले रथ में देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। वैसे तो इस उत्सव में कई अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन इसका सबसे खास हिस्सा मशाल जुलूस है, जिसमें पूरे इलाके के लोग बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। मशालें लेकर निकले हजारों लोगों की भीड़ को देखकर किसी प्रदर्शन का एहसास हो सकता है।
और चलिए मध्य प्रदेश के बैतूल में किसान का कमाल आपको दिखाते हैं। दरअसल देवेंद्र दवंडे नाम के किसान ने एक पौधे पर बैंगन और टमाटर दोनों एक साथ उगाकर आसपास के लोगों को हैरानी में डाल दिया है। स्थानीय लोगों के लिए पौधा फिलहाल किसी अजूबे से कम नहीं। यहाँ के खेड़ी गांव में किसान देवेंद्र ने एक ऐसी कृषि तकनीक का उपयोग किया जिसके तहत एक पौधे पर बैंगन और टमाटर एक साथ उगाए जा सकते हैं। बता दें कि कृषि विज्ञान में इस पैदावार की विधि को ग्राफ्टिंग मेथड नाम दिया गया है, जिसको इस किसान ने अपनी खेती के तौर तरीकों में शामिल कर लिया है। देखिए, इन दिनों गर्मी जो है वो धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। ऐसे में इंसान तो गर्मी से बचने का उपाय खोज लेता है, लेकिन जानवरों के लिए तो मानो आफत ही आ जाती है। जी हाँ, इसलिए इन बेजुबानों को भी गर्मी से बचाने की कोशिशें आप इन दिनों कई जू में देख सकते हैं। कहीं प्यास बुझाने और गर्मी से बचाव के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, तो कहीं अहातों में शेल्टर्स बनाए गए हैं, तो कहीं कूलर की हवा से भी इन वन्य जीवों को राहत दी जा रही है। आसमान से बरस रही आग ने इन बेजुबानों को बेचैन कर दिया। भोपाल में इन दिनों सूरज अपने तेवर दिखा रहा है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री छूने को बेताब है। इस बेतहाशा गर्मी ने भोपाल के वन विभाग नेशनल पार्क में वन्य जीवों को राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गर्मी से बचाने के लिए टाइगर और दूसरे तमाम जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं। वन्य जीवों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमने यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज में कूलर्स इंस्टॉल किए हैं। कूलर्स को हम रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखते हैं। खस के यहाँ पर हमने पर्दे और शीट्स लगाए हुए हैं जो उनको गर्म हवाओं से, हीट वेव से बचाते हैं। और हमने हर एनक्लोजर में जानवर के वाटर पॉन्ड्स बना रखे हैं, छपरे बना रखे हैं जिसके नीचे जानवर अपना रेस्ट करता है। और जो एनिमल्स वाइल्ड में है उनके लिए हमने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। हर बाड़ी में पानी का छोटा सा तालाब बनाया गया है। भालू और तेंदुए अपना ज्यादातर वक्त बाड़े के अंदर ही बिताते हैं। टाइगर भी कूलर की हवा में ही रहना पसंद कर रहा है। धूप की तपस से राहत के लिए बाड़ों में छाया का भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है। कहीं टेंट लगाया गया है तो कहीं बाड़े में ही कमरा बना दिया गया है। गर्मी के दिनों में जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। वन्य जीवों को इन दिनों ऐसा खाना दिया जा रहा है जो इन्हें गर्मी से राहत दे और इनकी सेहत भी दुरुस्त बनाए रखे। गर्मी के कुछ महीने वन्य जीवों के लिए चुनौती भरे होते हैं, लेकिन वन विभाग की कोशिश है कि तपस भरा ये मौसम ये बेजुबान राहत से गुजार दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बॉलीवुड की एक पुरानी फिल्म है जिसके नगमे की लाइन जो है मुझे लगता है कि हर किसी को याद होगी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। और इससे आगे गीतिका, बिल्कुल श्वेता, इसके आगे ये कि हम कल ही मिल रहे हैं, कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज ही आएंगे, थोड़ा बातें शाते होंगी तभी तो आएगा असली वीकेंड का मजा। वीकेंड को अभी दो दिन है, लेकिन चाय पर चर्चा में हमेशा की तरह चटपटी और अच्छी खबरें लेकर हम आते रहते हैं, जिससे आपको मिलती है इन्फो एंटरटेनमेंट की फुल ऑन डोज। तो खबरों के इसी फुल डोज वाले सफर को आज हम यही थामते हैं। कल फिर आएंगे, साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, शाम 5 बजे रहिएगा हमारे साथ।